त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना देर शाम तक जारी रही। निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से शुरू हुई मतगणना, उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी की देखरेख में चल रही है मतगणना। बिलारी नगर स्थित रामरतन इंटर कॉलेज परिसर में रविवार की सुबह शुरू हुई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना निर्धारित समय से लगभग 2 घंटा विलंब से शुरू हुई। देर शाम तक कुछ ही ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के परिणाम सामने आ सके। कुछ ग्राम पंचायतों पर प्रत्याशियों ने मतगणना में आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग भी करवाई। उप जिलाधिकारी प्रबुद्ध सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी देश दीपक सिंह, निर्वाचन अधिकारी चंद्रकिशोर ने मतगणना के दौरान किसी भी कर्मचारी को ढिलाई नहीं करने दी। मतपेटियां पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में मतगणना कक्ष तक पहुंचाई गई, जहां मौजूद प्रत्याशियों के एजेंटों के सामने मतपत्रों की गिनती की गई। मतगणना में अधिक समय इसलिए लगा क्योंकि प्रत्येक गुल्लक में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य मतपत्रों की पहले तो अलग गड्डी बनाई गई, उसके बाद ही उसकी गिनती शुरू हो सकी। ग्राम पंचायत बनियाठेड़ से अशोक कुमार 3 बार रिकाउंटिंग के बाद 8 वोट से जीते, जबकि रामपुरा धतरारा से संजीव कुमार 71 वोटों से जीते। ग्राम पंचायत नरसरा से 297 मत लेकर रश्मि 1 वोट से चुनाव जीती, यहां भी रिकाउंटिंग हुई। इसके अलावा कोई अन्य परिणाम देर शाम तक नहीं आ सका था। मतगणना स्थल पर पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी। बिना मास्क और थर्मल स्क्रीनिंग के बिना किसी भी मतगणना अभिकर्ता को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया गया। मतगणना अभिकर्ता को मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने की इजाजत भी नहीं दी गई थी। मतगणना स्थल के बाहर सड़क के दोनों ओर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर 200 मीटर की दूरी पर समर्थकों को रोक दिया गया। इसके बावजूद जब समर्थकों ने मतगणना स्थल के गेट पर आने का प्रयास किया तो पुलिस ने कई बार उन्हें हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। मतगणना के दौरान हो रही देर को देखते हुए प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी से गुस्सा जाहिर किया। इस पर निर्वाचन अधिकारी ने सभी कमरों के मतगणना कर्मियों को जल्द ही वोटों की गिनती करने के निर्देश दिए। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के अभिकर्ता एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नजर आए। अधिकारियों की मौजूदगी और अधिक पुलिस बल होने के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी कम होने और कोविड महामारी का खतरा अधिक होने के चलते मतगणना काफी धीमी हो रही है, जो लगभग सोमवार की देर रात तक पूरी हो सकेगी।